चलिए अब जो था बेटा कि नेक्स्ट जो है टॉपिक जो है वो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, जिसमें अगर बात की जाए तो आप लोगों ने आंसर्स दिया भी था। और यहाँ पर जो देखोगे तो आप लोगों को जब बोला गया कि यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप है वहां पर फिनोटिपिक रेशियो जो पॉसिबल है वो 4 थे। और यहाँ पर जो देखोगे यही चीज आपको बोला गया जेनेटिक्स में, क्लास 12th में आपको पढ़ना भी है, मल्टीपल एलिलिज्म का कंडीशन होगा, कॉपी में लिख लो, चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस क्लास 12th में क्लियर पढ़ना है। अब यहाँ पर देखोगे तो आपको जो है कंडीशन जो मैंने दिया था वो मदर और फादर का दिया, और यहाँ पर चाइल्ड्स के क्या चांसेस है कि कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है वो चीज आपको यहाँ पर दिया गया था। तो सिंपल जब देखोगे तो यहाँ पर अगर आई ए मदर से था और आई ए फादर से, तो चाइल्ड का जो ब्लड ग्रुप होगा वो आपको ए होगा, बिल्कुल यहाँ पर क्लियर दिया गया। अब इसी में जब देखोगे नेक्स्ट जो है उसी में दिया गया था आई ए और आई ओ। अब यहाँ पर देखोगे तो ब्लड ग्रुप इस कंडीशन में भी जो आपको हुआ था वो था ब्लड ग्रुप ए। अब यहाँ पर सिंपल याद रखना है कि हमेशा जो ओ होगा वो रिसेसिव होगा जब भी आपका ए और बी प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर ए आपको एक्सप्रेस नहीं, सॉरी ओ एक्सप्रेस नहीं होगा और ए आपको ब्लड ग्रुप दिखेगा। इसी में जब आई ए और आई बी होगा तो यहाँ पर दोनों एक्सप्रेस होगा, जिसको यही चीज आप लोग जो जाकर पढ़ोगे क्लास 12th में तो यही जो कंडीशन होगा वो होता है आपको कोडोमिनेंस का। तो ये चीज सिंपल आप लोग याद रखिएगा। इसी में जब आगे बढ़ा था तो यहाँ पर आई बी और आई बी का कंडीशन लोगे तो वहां पर भी जो ब्लड ग्रुप होगा वो आपका बी था। जब आई बी और आई ओ लोगे तो वहां पर भी जो ब्लड ग्रुप था वो आपको जो था वो ओ था। ये चीज आपको क्लियर कल बताई गई। आई ओ और आई ओ जब होगा तब आपको जो देखने को मिलेगा वहां पर आपको ब्लड ग्रुप देखने को मिलेगा वो होगा ओ का कंडीशन। ये चीज आप लोगों ने देखा था। अब यहाँ पर सिंपल देखोगे तो एक चीज याद रखना था कि यहाँ पर आपको क्लियर दिया गया कि आई ए और आई बी के रिस्पेक्ट में आई ओ जो होगा हमेशा आपको रिसेसिव होगा। और जीनोटाइप कितने पॉसिबल थे तो 6 पॉसिबल थे, फिनोटाइप कितने पॉसिबल थे तो यहाँ पर आपको 4 पॉसिबल थे। अब इसी में जब देखोगे नेक्स्ट जब बात करोगे टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन बोला गया, तो टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन क्या था, इंट्रा सेलुलर और सेकेंड जो था वो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर। ये दो आप लोगों ने पढ़ा। इंट्रा सेलुलर मतलब कि सिंपल इन लोअर ऑर्गेनिजम्स में होगा, वो आपको जो देखने को मिलेगा सिर्फ साइटोप्लाज्म में सर्कुलेशन देखने को मिलेगा, तो वो आप लोग बोलते हो इंट्रा सेलुलर। उसी में जब सेकेंड देखोगे तो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर है जो आपको हायर एनिमल्स में आपको देखने को मिलेगा। इसी में जब आपने नेक्स्ट जो बात किया था वो टाइप्स ऑफ फ्लूड था। टाइप्स ऑफ फ्लूड में देखोगे तो इन्वायरमेंटल फ्लूड सर्कुलेशन भी होता है, जैसे कि आपका वाटर है, और ये चीज आपको क्लियर पढ़ोगे क्लासिफिकेशन में स्पॉन्जेस और हाइड्रा के कंडीशन। इंटरनल फ्लूड सर्कुलेशन की बात करोगे तो वहां पर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम हो सकता है, लिम्फेटिक फ्लूड होगा, उसी में हेमोलिम्फ होगा जो सिर्फ आपको इंसेक्ट्स में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो हम लोगों ने देखा था वो था आपको टाइप्स ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, यानी कि ओपन और क्लोज, ये दो होते हैं। फर्स्ट जब ओपन की बात करोगे तो यहाँ पर कोई भी आपका टिश्यू या ऑर्गन क्या होगा, डिप होगा, एक कैविटी होगी उसमें डिप्ट होगा ब्लड से, फिर जाकर वहां पर एक्सचेंज उसका पॉसिबल होता है। नेक्स्ट जब देखोगे तो यहीं पर आपको बोला गया कि क्लोज्ड है, तो यहाँ पे सिंपल है कि ब्लड जो है वो ब्लड वेसल से बाहर नहीं आता है। जब एक्सचेंज होगा तो क्या चीज होगा, जो आर्टरी है वो डिवाइड कर जाएगा कैपिलरीज में, और कैपिलरीज फिर से रिज्वाइन करके आपको वेन का फॉर्मेशन करेगा। तो कैपिलरी जो होता है वो थिन होता है, आज वो चीज आपको क्लियर भी होगी कि थिन होगा और वहां से एक्सचेंज जो है आपका पॉसिबल है, बिल्कुल दिमाग में आपको रखना है ये चीजें। और आज का जो टॉपिक है बेटा वो आप लोग डालिए ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पर जो सिंपल आज का जो आपका टॉपिक है वो सिंपल है, पढ़ोगे यहाँ पर आपको होगा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम बेटा याद रखिएगा, यहाँ पर आपको जो है इस टॉपिक में तीन चीजें पढ़ाई जाएगी। अब तीन चीजों की बात करोगे कि ह्यूमन सर्कुलेटरी में सर तीन चीजें कौन कौन सी पढ़नी है, तो यहाँ पर याद रखना, तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। फर्स्ट जो होगा वो सिंपल याद रखना कि यहाँ पर जो फर्स्ट है वो आप लोग पढ़ोगे ब्लड वेसल्स,
सेकेंड जो आप लोग पढ़ोगे वो होगा आपको ब्लड के बारे में, और ब्लड के साथ साथ जी होगा वो आपको ब्लड एंड लिम्फ होगा, ब्लड के साथ ही हम लोग लिम्फ भी पढ़ेंगे। उसके बाद थर्ड जो पढ़ोगे बेटा तो वो जो होगा यहाँ पर वो टॉपिक आपका होगा हार्ट के बारे में। अब हार्ट में जो है वो कल भी देखा गया था, जब हार्ट की बात करोगे तो यहाँ पर टू चैम्बर भी पढ़ेंगे, थ्री चैम्बर भी पढ़ेंगे, थ्री एंड हाफ भी पढ़ेंगे, और जो कल मैंने बनाया था हम लोगों ने वो फोर चैम्बर ह्यूमन हार्ट था। लेकिन आपको सारी चीजें पढ़नी है, ये चीज दिमाग में आपको रखना है। अब यहाँ से जो देखोगे कि हमारा जो है कि सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको तीन चीजें बोली गई, ब्लड वेसल्स है, ब्लड एंड लिम्फ पढ़ना है, और हार्ट के बारे में पढ़ना है। ब्लड वेसल आपको सिंपल है बेटा, वेसल्स है जो क्या कैरी करेगा तो ब्लड को करेगा। ब्लड क्या चीज होता है तो आपको फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू होता है, सेम लिम्फ है। हार्ट जो की बात करोगे तो हार्ट क्या चीज है, वो पंप करने का काम करता है। तो ब्लड जो पंप करेगा वो आपका हार्ट का काम होता है। ये तीनों चीजें आपको पढ़नी है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में। अब यहाँ पर जो फर्स्ट हम लोग देखेंगे बेटा वो टॉपिक आप लोग डालिएगा ब्लड वेसल्स, क्योंकि आप लोगों ने ब्लड वेसल्स की जब बात करोगे तो आपको बोला गया था कल भी हम लोगों ने जो बात किया था कि तीन होते हैं ब्लड वेसल जो है आपको, तीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो यहाँ पर जब सिंपल देखोगे तो आर्टरीज होता है, वेन्स होते हैं, और आपको कैपिलरीज होता है। ये सिंपल आप लोगों को बताया गया था कि ब्लड वेसल्स में जब हम लोग फर्स्ट देखेंगे बेटा तो फर्स्ट जो होगा वो आपको देखने को मिलेगा आर्टरीज, ठीक है। आर्टरीज के बाद बात करोगे तो सेकेंड हम लोग जो पढ़ेंगे वो आप लोग पढ़ोगे वेन्स। थर्ड जो हम लोग पढ़ेंगे वो आपको पढ़ना है वो है कैपिलरीज। और यहाँ पर जो देखोगे तो कैपिलरीज जो है बेटा, ये कल भी हमें आइडिया मिल गया था कि सबसे थिन जो होगा वो आपको कैपिलरीज होता है। ये चीज क्लियर है। थिक की बात करेंगे यहाँ पर आर्टरीज और वेन्स कंपैरेटिवली कैपिलरीज से थिक होता है, ये चीज आपको याद रखना है। और यहाँ पर एक नोट में आप लोग लिख लीजिएगा कि आर्टरीज आर्टरीज और वेन्स, आर्टरीज एंड वेन्स जो होगा वो आपको जो होता है वो थ्री लेयर्ड होता है। थ्री लेयर्ड का मतलब सिंपल है कि यहाँ पर जो लेयर होगा बेटा वो आपको तीन होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो थ्री लेयर्स हम लोग पढ़ेंगे ये सिर्फ आर्टरीज और वेन्स में पढ़ेंगे, कैपिलरीज में सिंपल आपको नहीं पढ़ना है। कैपिलरीज में एक लेयर बनाओगे वो क्या चीज होगा, एक लेयर पे बैठा हुआ होगा जिसको हम लोग सिंपल बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं, ये चीज याद रखिएगा। अब यहाँ पर जब देखोगे बेटा तो हम लोग जो क्या करते हैं, पहले जो है वो एक एक जो लेयर्स है उसकी बातें करेंगे, और एक एक जो फर्स्ट जब आप लोग देखोगे तो यहाँ पर जो होगा वो आर्टरीज की बात करते हैं, ठीक है। और आर्टरीज और वेन्स दोनों की बातें कर लोगे तो यहाँ पर जब सिंपल देखोगे तो आर्टरीज और वेन्स की बात कर रहे हैं, दो क्या चीज है आपको थ्री लेयर्ड है। क्लियर दिखाएगा कि लिख भी दिया गया है नोट में कि आर्टरीज एंड वेन्स जो है वो आपको थ्री लेयर्ड है। कौन कौन से हैं वो देखते हैं। जब फर्स्ट लेयर की बात करोगे तो फर्स्ट जो लेयर होता है बेटा वो होगा ट्यूनिका एक्सटर्ना, ठीक है। ये चीज देखिए फर्स्ट जो होगा वो होगा आपको ट्यूनिका एक्सटर्ना, ठीक है। इसी को जो हम लोग बोलते हैं बेटा वो बोला जाता है ट्यूनिका एडवेंसिया। ये जो सिंपल होगा ये आपको ट्यूनिका एक्सटर्ना होगा, पहला आउटर ट्यूनिका, मीडियल मीडिया मीडियम मतलब मिडल वाला, और ट्यूनिका इंटरना जो आपको इंटरनल होगा। तो यहाँ पर जो तीन लेयर्स होते हैं आर्टरीज और वेन्स में, ये चीज याद रखना है, फर्स्ट जो होगा वो होता है ट्यूनिका एक्सटर्ना, जिसको ट्यूनिका एडवेंसिया भी आप लोग बोल सकते हो, एक ही चीज है। अब ये जो देखोगे बेटा ये आपको फर्स्ट लेयर है जो आपको आर्टरीज और वेन्स दोनों में दिखेंगे। अब यहाँ पर देखोगे तो ये बना किस चीज से, सबसे पहले होता है कि आपको बना किस चीज से, तो सिंपल जो याद रखोगे कि ये जो बना हुआ है वो आपका है मेडअप ऑफ फाइब्रस टिश्यू। सिंपल याद रखना है कि बना किस चीज से है तो मेड अप ऑफ फाइब्रस टिश्यू। और फाइब्रस टिश्यू में अगर आप लोगों को नाइन्थ का याद होगा तो सिंपल यहाँ पर होगा कॉलेजन भी हो सकता है और यहाँ पर आपको इलास्टीन भी होगा। तो यहाँ पर आप लोग दोनों करोगे, कॉलेजन भी होगा और आपको इलास्टीन भी होगा।
अब यहां पर सिंपल है, फर्स्ट लेयर है ट्यूनिका और एक्सटर्ना, जिसमें आपको फाइब्रस टिश्यू से है, कॉलेजन भी होगा और यहाँ पर आपको इलास्टिन भी होगा। काम क्या है अगर बात करेंगे बेटा, सेकेंड पॉइंट में ये बात करेंगे कि ट्यूनिका एक्सटर्ना जो है वो आपको फाइब्रस है, और हमेशा ध्यान रखना जब फाइब्रस टिश्यू से बना हुआ है तो वो क्या करेगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो सिंपल जो देखोगे तो जो ब्लड वेसल्स है उसमें आपको ट्यूनिका एक्सटर्ना का जो काम है वो सिंपल करेगा प्रोवाइड स्ट्रेंथ। ये हमारा होगा सिंपल ट्यूनिका एक्सटर्ना का सेकेंड पॉइंट, क्या करेगा तो प्रोवाइड करेगा स्ट्रेंथ, ठीक है, ब्लड वेसल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। ये लेयर कौन सा है, जब हम लोग बनाएंगे बेटा तो ट्यूनिका एक्सटर्ना मतलब कि ये आउटर लेयर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो थर्ड पॉइंट होगा ये क्या चीज होगा, आपको आउटर मोस्ट लेयर, सिंपल कर दोगे ये क्या चीज होगा, आपको आउटर मोस्ट लेयर हो जाएगा, ठीक है, सबसे बाहर वाला है इसलिए आउटर मोस्ट बात करेंगे। अब यहाँ पर देखोगे बेटा तो यहाँ पर जो होगा कि नर्व्स वगैरह की सप्लाई होती है, जो हमारे बॉडी में नर्व्स होते हैं या ब्लड वेसल्स होते हैं। तो फोर्थ पॉइंट जो लिखोगे, जो ये लेयर है वो क्या चीज होगा, सप्लाइड विथ नर्व्स, यानी कि ये जो होगा वो आपको नर्व से सप्लाइड होगा। अब इसमें जो देखोगे बेटा, आप लोग आज तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा था कि जो हमारा ब्लड वेसल है उसको भी एनर्जी चाहिए या जो भी रिक्वायरमेंट है, तो जो एक्सचेंज करने का काम करता है वो आपको ब्लड वेसल्स करते हैं, मतलब कि ब्लड वेसल का भी ब्लड वेसल होता है, जिसको आप लोग बोलते हो वैसा वैसोरम। तो वैसा वैसोरम जो होगा वो ब्लड वेसल का ब्लड वेसल होता है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा, वो चीज लिख भी देते हैं। तो यहाँ पर देखोगे तो सिंपल क्या है, सप्लाइड विथ नर्व्स एंड वैसा वैसोरम, ठीक है। अब बात करोगे कि वैसा वैसोरम है क्या, तो ये जो होता है बेटा, यहां से सिंपल याद रखना, ये जो होगा वो होगा आपको स्मॉल ब्लड वेसल्स, ठीक है। और ये जो हम लोग सिंपल जब आगे लिखेंगे तो ये हम लोग बोलेंगे कि ये जो है वो ब्लड वेसल का ब्लड वेसल, मतलब कि ब्लड वेसल तो अदर टिश्यू को सप्लाई करता है चीजों का, लेकिन ब्लड वेसल्स जो है उसको कौन करता है, तो आपको ब्लड वेसल ही करते हैं, जो है आपका वैसा वैसोरम। तो सिंपल याद रखिएगा वैसा वैसोरम है क्या, तो यहाँ पर लिख भी देते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, वैसा वैसोरम। अब वैसा वैसोरम जो है बेटा वो सिंपल ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, वो जो है आपको ब्लड वेसल्स का ब्लड वेसल है, ठीक है, ब्लड वेसल ऑफ ब्लड वेसल, मतलब ये सिंपल जो देखोगे तो ये क्या चीज हो गया, ब्लड वेसल का भी ब्लड वेसल होता है, जो क्या चीज होता है आपका ब्लड वैसा वैसोरम होता है। काम क्या चीज है, और तो काम की बात करोगे तो ये क्या करेगा, एंड सप्लाइड सब्सटेंसेस टू ब्लड वेसल, मतलब कि यहाँ पर आप सिंपल जब देखोगे तो जो हमारा ब्लड वेसल होगा बेटा उसके भी ब्लड वेसल्स होते हैं जो उसको सप्लाई करेगा। तो वैसा वैसोरम क्या चीज है, ब्लड वेसल का ब्लड वेसल है, जो क्या करेगा, सप्लाई करेगा आपके ब्लड वेसल को जो भी सब्सटेंस है, वो काम आपका वैसोरम का है। एक बार ये देखिए ट्यूनिका एक्सटर्ना, अगर लगता है किसी को प्रॉब्लम है बेटा तो एक बार पूछिए, अगर लगता है किसी को प्रॉब्लम है तो आप पूछिए बेटा, किसी को लगता है बेटा एक बार पढ़ के देखिए, ट्यूनिका एक्सटर्ना आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ब्लड वेसल होगा, सिंपल इसका काम क्या चीज है, फाइब्रस टिश्यू से बना हुआ है तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, याद रखना है। ब्लड वेसल को भी आपके नर्व्स दिखेंगे वहां पर भी आपको सप्लाई होता है सब्सटेंसेस का, तो सप्लाई करने के लिए आपको ब्लड वेसल का जो ब्लड वेसल है वो है आपको वैसा वैसोरम। ये इतने पॉइंट्स आपको ट्यूनिका एक्सटर्ना से याद रखना है, एक बार देखिए अगर प्रॉब्लम है तो पूछिए, एक बार देखिए बेटा, अगर किसी को भी लगता है कहीं पे भी कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछिए, और यस नो बोलते रहना जिससे मेरा भी कंफ्यूजन दूर हो कि क्लियर है। वो बेटा
अलग चीज है वो जो है ना। आप जब ट्यूनिका एडवेंसिया की बात करोगे तो इसका भी बोला जाता है, ट्यूनिका एक्सटर्ना का ही नाम है, वो इसोफेगस से यहाँ पे लिंक मत कीजिए, दोनों को अलग रहने दीजिए, क्योंकि नाम आपको कुछ ना कुछ कॉमन मिल सकता है, ठीक है, लेकिन आप लोग ऐड नहीं करोगे किसी भी टॉपिक को किसी टॉपिक से। अब यहाँ पर अगर क्लियर है बेटा तो सिंपल है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा जिससे आपको क्लियर है। अब यहाँ पर जो देखोगे बेटा सेकेंड जो होता है जो लेयर है वो आप लोग जब बात करोगे तो सेकेंड जो होगा वो होगा आपको ट्यूनिका मीडिया, ठीक है, ये आपको सेकेंड है, नाम से क्लियर है, मीडिया का मतलब ये जो होगा वो आपको बीच में होगा। अब ये जो होता है बेटा ये सिंपल जब बात करोगे तो ट्यूनिका मीडिया जो होता है ये आपका मस्कुलर लेयर है, मस्कुलर लेयर है, और ये जब बोलोगे किस चीज से बना हुआ है तो मस्कुलर टिश्यू से बना होगा, क्योंकि मस्कुलर लेयर है तो ये हमारे दिमाग में आइडिया होना चाहिए कि ये आपको मस्कुलर टिश्यू से बना हुआ है। एक पिछले साल या उससे पहले जो है क्वेश्चन था नीट में था कि ट्यूनिका मीडिया में कौन सा टिश्यू होता है, तो आपको सिंपल याद रखना है कि यहाँ पर जो है वो आपको ट्यूनिका मीडिया है, मस्कुलर लेयर है, यानी कि टिश्यू भी जो होगा वो आपको मस्कुलर टिश्यू देखने को मिलेगा, ये चीज याद रखिएगा। थर्ड जब बात करोगे बेटा थर्ड कौन सा होता है, तो थर्ड जो होगा वो होगा आपको ट्यूनिका इंटरना, मतलब कि आपको एक्सटर्ना मतलब आउटर हो गया, मीडिया मतलब कि बीच का हो गया। अब जो लास्ट बच गया बेटा वो सिंपल है ट्यूनिका इंटरना, ठीक है, ट्यूनिका इंटरना की जब बात करोगे तो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट होगा इसमें आप यही लिखोगे कि ये जो होता है वो आपको इनर मोस्ट लेयर है। फर्स्ट पॉइंट आप सिंपल लिख सकते हो ट्यूनिका इंटरना क्या चीज है, इनर मोस्ट लेयर है। अब इसके बाद जब देखोगे तो यहाँ पर क्या चीज होता है बेटा, दो लेयर्स होते हैं, यहाँ पर याद रखना इसकी भी जो है आपको दो लेयर्स मिलेंगे, मतलब ट्यूनिका इंटरना के दो लेयर्स। कौन कौन से हैं सर, तो फर्स्ट जब बात करोगे तो आउटर होगा, आउटर जो देखने को मिलेगा वो होगा आउटर इलास्टिन लेयर, सिंपल याद रखोगे आउटर जो होगा वो आउटर इलास्टिन लेयर होगा, और किस चीज से बना होगा तो सिंपल देखोगे तो ये जो होगा वो येलो इलास्टिन फाइबर होगा, ठीक है, ये आपको एक तरीके से फाइबरस लेयर हो गया। सेकेंड जो देखोगे कि इसके अंदर जो आउटर है इनर किस चीज का होगा, तो इनर जो लोगे तो वो जो होगा बेटा वो हो जाएगा आपको सिंपल इंडोथीलियम, मतलब इनर इंडोथीलियम। अब इनर इंडोथीलियम जो होगा वो किस चीज से बना होगा, सिंपल याद रखिएगा वो जो होगा वो होगा सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम से, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल याद रखोगे यहाँ पर क्या चीज होगा, बना जो होगा यानी कि इनर इंडोथीलियम लेयर जो होगा वो हमारा होगा सिंपल स्क्वेमस इपिथीलियम का, और यही तीन लेयर से मिलकर जो बना है बेटा वो आपको आर्टरीज और वेंस बने हैं। कैपिलरीज में ये तीनों लेयर आपको देखने को नहीं मिलेगा, कैपिलरीज जो होता है वो थिन होता है, वो तीनों लेयर्स आपको वहां पर बिल्कुल नहीं दिखेंगे, लेकिन ये तीन लेयर जो आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा आपको आर्टरीज और वेंस में। एक बार इसको 2 मिनट के लिए आप लोग देखिए, फिर इसका आपको डायग्राम से आपको कंपेयर करना है, तो एक बार आप लोग इतना देख लीजिए, किसी को लगता है कि तीनों में प्रॉब्लम है आप लोग पूछिए, फिर जो है हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे बेटा आपका डायग्राम के साथ जो है वो आपको आर्टरीज और वेंस की बात करेंगे। एक बार देखिए 2 मिनट का टाइम लीजिए। एक बार देखिए अगर कहीं भी लगता है कि प्रॉब्लम है बेटा तो पूछिए, और समझ जाओगे डायग्राम और ये समझ जाओगे तो ब्लड वेसल्स आपके क्लियर हो जाएंगे, अगर नहीं समझ पाओगे तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। फिर और यस और नो बोल दीजिएगा बेटा, आप लोग देखिए अगर लगता है कि प्रॉब्लम है तो आप लोग बोलिएगा। क्योंकि तब आगे बढ़ पाएंगे, उतना ही आसानी होगा।
ओके सर, नो प्रॉब्लम। चलिए बेटा, अब यहाँ पर जो देखोगे तो यहाँ पर अगर प्रॉब्लम नहीं है, तीन लेयर्स आप लोग याद रखो, ट्यूनिका एक्सटर्ना किस चीज से बना हुआ है ये चीज है, ट्यूनिका मीडिया किस चीज से बना हुआ है वो आपको बताया गया, ट्यूनिका इंटरना क्या है वो आपको यहाँ पर तीनों लेयर्स बता दिए गए। अब ये मैंने बोला कि बेटा जी ये जो होगा ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो सिंपल जब बात करोगे तो ये तो सर ने बोला है कि सिर्फ आर्टरीज और वेन्स में होता है, उसके अलावा नहीं होगा। तो अब बेटा यहाँ पर जो है वो डायग्राम के साथ जो है वो हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। फर्स्ट जो आप लोग डायग्राम बनाते हैं वो सिंपल लोगे तो यहाँ पर लीजिएगा टी एस, टी एस का मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ आर्टरी, फर्स्ट हम लोग लेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ आर्टरीज, और सेकेंड जो लेंगे बेटा वो लेंगे हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ वेन। और डायग्राम बिल्कुल क्लियर दिखना आप लोग देखिएगा, क्योंकि इसके बाद कंपेयर करना होगा, कंपेयर आप खुद करोगे, मैं करूंगा भी नहीं कंपेयर। तो यहाँ पर सिंपल है, दोनों के आपको डायग्राम्स जो है वो आपको बना के दिखाया जाए। पहला है सिंपल ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ आर्टरीज बोला बेटा, और सेकेंड जो है वो ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ आपको वेन्स है। अब यहां पर देखिए बेटा, सबसे पहले जो देखोगे आप लोगों ने ऑलमोस्ट सभी चीजें पढ़ा है, तो फर्स्ट जो लेयर था वो क्या चीज था, जब बात करोगे और दोनों में बनाना है बेटा, क्योंकि ये तीन लेयर्स जो होते हैं वो आपको दोनों में होता है, तो थोड़ा सा अगर सर्कल इधर उधर होता है आप लोग मैनेज कीजिएगा, बट बाकी चीजें वही होगी। ठीक है, ये आपको बनाया फर्स्ट लेयर, आपको क्या चीज बोला गया था बेटा, जो फर्स्ट लेयर था वो आपको बोला गया था ट्यूनिका एक्सटर्ना, यही था ना। अब यहां पर देखोगे बेटा तो ट्यूनिका जो एक्सटर्ना होगा ये आप लोग फर्स्ट ले लीजिए, ट्यूनिका जो एक्सटर्ना होगा बेटा वो आर्टरीज में जो होता है वो थिन होता है, ये चीज आपको याद रखना है। यानी कि जो ये आपका फर्स्ट लेयर जो फॉर्म कर रहे हैं हम लोग बना रहे हैं, ये जो सिंपल है आपको जो है वो ट्यूनिका एक्सटर्ना है, और आर्टरी में यहाँ पर आपको थिन होता है। लेकिन जब वेंस में बात करोगे तो ट्यूनिका जो एक्सटर्ना होता है वो आपको थिन होता है, तो यहां पर थोड़ा सा थिन दिखाना पड़ेगा हमें। डिफरेंस क्लियर दिख रहा है ना बेटा, कि डायग्राम्स में डिफरेंस क्लियर देखिएगा, यहाँ पर आपको लेयर्स है, ये जो सिंपल हो गया कि आपको जो फर्स्ट हो गया, ये आप लोग जब सिंपल लोगे तो ये जो है वो आपको दोनों के लिए होता है, तो सिंपल जब लेवल कीजिएगा तो ये जो होगा यूनिका एक्सटर्ना। यूनिका एक्सटर्ना और ये फर्स्ट लेयर है, आपको पता है कि ये जो है वो आउटर लेयर है। अब यहाँ पर देखोगे तो आर्टरीज में जो है बेटा ये कैसा है, तो सिंपल यहाँ पर लिख दोगे कि आर्टरीज में सर जो है ये आपको थिन है, और वेन्स में बेटा ये कैसा है, तो वेन्स में जब लिखोगे आपको ये थिक होगा। ठीक है, क्लियर डिफरेंस दिख रहा है, फर्स्ट लेयर आपको ट्यूनिका एक्सटर्ना, आउटर लेयर है आपको ट्यूनिका एक्सटर्ना में जब सिंपल देखोगे तो यहाँ पर आपको आर्टरी में थिन होगा, और इसी में जब बात करोगे वेंस में तो वेंस में क्या चीज है आपको थिक है, ये आपको क्लियर डिफरेंस यहाँ पर दिख रहा है। नेक्स्ट जो है बेटा वो कौन सा होगा, तो नेक्स्ट जो बनाओगे तो वो सिंपल आपको देखने को मिलेगा ट्यूनिका मीडिया। ये आपका हो गया ट्यूनिका मीडिया, जो आप जब बात करोगे तो सिंपल जब लेवल करेंगे बेटा तो ये जो होगा वो दोनों का आपको बनाना है, तो यहाँ पर आप सिंपल लिख लोगे तो ये जो हो गया वो हो गया आपको ट्यूनिका मीडिया। अब यहाँ पर जब देखोगे तो यहाँ पर जो होता है बेटा ये पहले से ही दिमाग में रखेंगे कि ट्यूनिका मीडिया जो होता है
वो आर्टरीज का आपको थिक होता है, और वेंस में जो आपको देखने को मिलेगा वो आपको थिन होता है। तो यहां पर आप लोग क्लियर देखिए, यहां पर आप सिंपल देखोगे तो ट्यूनिका मीडिया क्या चीज हो गया, यहां पर आपको जो देखोगे तो एक में क्या चीज हो गया, थिक हो गया। थिक किस में है, आर्टरीज में, वेंस में। ट्यूनिका मीडिया कैसा है तो आपको थिन है। ये बेटा क्लियर दिमाग में रखिए, ये आपको डिफरेंस है। अगर बात करोगे कि सर ये इम्पोर्टेंट है तो ये चीज आपको इम्पोर्टेंट है बेटा, क्योंकि यहाँ पर जब डिफरेंस करोगे, कंपेयर करोगे आर्टरीज और वेंस का, तब आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप लोग सिंपल दिमाग में रखोगे। इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर बनेगा बेटा, वो जो सिंपल बनाओगे वो होगा आपको टूनिका इंटरना। अब ट्यूनिका इंटरना में जो सिंपल बोला गया था कि दो चीजें होती है, ट्यूनिका इंटरना में क्या चीज होता है, इलास्टिन लेयर होता है और आपको इंडोथीलियम होता है। तो यहाँ पर जब सिंपल देखोगे, जब हम लोग आरटी का बनाएंगे, जब आपको थर्ड लेयर ट्यूनिका इंटरना, तो उसका जो फर्स्ट आपको देखने को मिलेगा बेटा वो सिंपल जो होगा वो होगा आपको इलास्टिन। तो ये जो देखोगे तो सिंपल है कि ट्यूनिका इंटरना तो है, बट ट्यूनिका इंटरना की जब बात करोगे तो कैसा होगा, एक में आपको थिक होगा, दूसरे में थिन होगा। तो ट्यूनिका इंटरना की जब बात करोगे तो ये आप लोग सिंपल यहां पर लिखोगे कि ये जो है वो आपको इलास्टिन लेयर है। ठीक है, और इलास्टिन लेयर जो होगा, एक में क्या चीज होगा, थिन होगा, दूसरे में क्या चीज होगा, थिक होगा। तो यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो है वो थिक होगा, और सेकेंड जब हम लोग यहाँ पर बनाएंगे तो वो जो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो है वो आपका थिन होगा। ठीक है, तो ये जो है वो आपको ट्यूनिका इंटरना का ही है, लेकिन यहाँ पर सिंपल जो लेवल करोगे तो ये जो है वो आपको फर्स्ट है जो इलास्टिन वाला है। तो ये सिंपल थोड़ा सा इसको लेवल आपको अच्छे से करना पड़ेगा। तो सिंपल यहां पर देखोगे तो ये आपको जो होगा ये सिंपल हो जाएगा, आपको थिक होगा इलास्टिन, और यहां पर जो देखोगे तो आपको थिन होगा। अब इसके बाद क्या चीज बचा आपको बेटा, इंडोथीलियम बच गया। अब नेक्स्ट जो क्या करोगे कि यहां पर जो सिंपल है आप लोग जो बना दोगे वो आपका जो होगा वो इंडोथीलियम लेयर बना दोगे। ये जो लेयर बन गया बेटा, ये सिंपल आप लोग जो लेवल करोगे ये दोनों का ही है, और दोनों का जो ये लेयर है वो आपको हो गया इंडोथीलियम। अब इंडोथीलियम देखोगे तो यहाँ पर ट्यूनिका जो है वो सिंपल याद रखना कि ट्यूनिका इंटरना ही है। इसके आपके दो लेयर्स बताए गए थे, इलास्टिन, एक में आपको आरटी में थिक होगा और वेंस में आपको थिन होगा। उसी में देखोगे तो नेक्स्ट लेयर जो होता है वो आपको ल्यूमेन होगा। अब यहाँ पर देखोगे बेटा तो ल्यूमेन का कंपेयर कर लीजिए। अगर आप लोग देखोगे इंडोथीलियम के बाद जो ल्यूमेन है, ये आप लोग जो सिंपल देख रहे हो कि ये जो ल्यूमेन है वो आर्टरी और वेंस का आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ पर सब सिंपल लिखोगे कि सर ल्यूमेन जो है यहाँ पर आपको जो वेंस में है वो आपको ल्यूमेन जो है बेटा वो वाइड है। तो सिंपल लिखोगे वाइड ल्यूमेन है। इसी में जब देखोगे तो आर्टरी में क्या चीज है, तो यहाँ पर जो होगा बेटा वो आपको नैरो ल्यूमेन होगा। दोनों में कंपेयर करके देखिए। अब ये आपके सामने जो है बेटा वो सारे के लेयर्स आपको तीन के तीन आपको बना दिए गए।
अब तीनों लेयर्स में देखोगे तो यहाँ पर ट्यूनिका एक्सटर्ना आउटर है, ये आप लोग क्लियर देखोगे। इसी में आपको ट्यूनिका मीडिया है, ट्यूनिका इंटरना में दोनों लेयर्स बताए गए, इलास्टिन भी बताया गया और इंडोथीलियम भी बताया गया। यहाँ पर जब सिंपल करोगे तो आपका जो होगा वो इंडोथीलियम ये वाला आपको लेयर हो गया। ये तीन लेयर आपको बना दिए गए। अब तीन लेयर्स के बाद देखोगे तो बीच में क्या चीज बचेगा, तो आपको ल्यूमेन बचेगा। अब ल्यूमेन में सिंपल देखोगे बेटा तो ल्यूमेन जो दिख रहा है वो दोनों डायग्राम्स आपके सामने कंपेयर करोगे तो वेन का जो आपका ल्यूमेन है वो वाइड है, जबकि आपका आर्टरी का जो ल्यूमेन है वो सिंपल देखिए आपको नैरो है। ये क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है सभी को? अब ये जो है जो आप लोगों ने ऊपर जो पॉइंट्स लिखे थे उसी के बेसिस पे इसको कंपेयर करके आप लोग देखिए कि यहाँ पर डायग्राम बिल्कुल सही है या नहीं है। तो हम लोगों ने ऊपर बात किया था वो बिल्कुल सही है या नहीं है। यहाँ पर देखिए बेटा अगर हाँ ना बोलिए तब आप लोगों को थर्ड लेयर थर्ड जो है वो कैपिलरी के बारे में बताया जाएगा। कंपेयर करके देखो, डायग्राम आपके सामने है, पॉइंट्स आपके सामने हैं, जहां पर है वहां पर बता दिया जाएगा। ओके, बाकी लोग बेटा हर्षिता श्रुति आप लोग बेटा देखिए डायग्राम आपके सामने है, पॉइंट्स आपके सामने है, बस जस्ट आपको कंपेयर करोगे सारे लेयर्स में आपको डिफरेंस दिख जाएगा बेटा। इसी में जब एक छोटा सा है इसी सेशन में कर देंगे तो वो आपको जो होगा बेटा कैपिलरी, थर्ड जो होता है वो होगा आपको कैपिलरी। ये आपको बोला गया था कि कैपिलरी में आपको जो है ये तीन लेयर वगैरह से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर क्या चीज देखने को मिलेगा तो सिंपल जब देखोगे बेटा तो यहाँ पर जो होगा आप लोग लिख दोगे तो एक लेयर जो होगा वो आपको देखने को मिलेगा सिंपल स्क्वेमस इपिथीलियम का। ये सिंपल आपका लेयर जो होगा ये आपको जो सिंपल लेयर हो जाएगा ये होगा आपको सिंपल स्क्वेमस इपिथीलियम। ये सिर्फ आपको एक लेयर देखने को मिलेगा। इसी में जब देखोगे तो ये कहाँ पर दिखेगा तो ये जो होगा बेटा वो प्रेजेंट होगा बेसमेंट मेम्ब्रेन पर, मतलब एक सपोर्ट के लिए। जब यहाँ पर देखिएगा तो इसके सराउंडिंग्स में जो आपको दिखेगा जहां पर ये प्रेजेंट होगा वो आपको देखने को मिलेगा बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो यही चीजें आपको सिर्फ जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर सिंपल 2 मिनट रुक जाइएगा। बस 1 सेकंड रुक जाइएगा बेटा, वो ओपन हो चुका है। बस लास्ट है, ये आपको कैपिलरी के बारे में था। और सिंपल जो लाई करेगा बेटा वो आप लोग यहाँ पर लिख लोगे, वो चीज जो होगा वो आपका होगा क्या चीज, तो वहां पर सिंपल लिखोगे बेसमेंट मेम्ब्रेन। सिंपल आपको वहां पर बेसमेंट मेम्ब्रेन आपको लिखना है। यहाँ पर ये सिंपल लिख दोगे जहां पर प्रेजेंट होगा ये आपका होगा बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब ये तीनों जो है बेटा वो टोटल देखोगे तो आपको जो हो गया ये आपको ब्लड वेसल के बारे में क्लियर है। यहाँ तक आपको जितना पढ़ा वो हम लोगों ने तीनों ब्लड वेसल देखा, आर्टरीज है, वेन्स है, प्लस आपको कैपिलरीज है, ये तीनों देखे। इसके बाद जब ज्वाइन करोगे दोबारा ज्वाइन करना है, इसमें आप सब सिंपल देखोगे तो इसके आगे की बातें करेंगे। 10 मिनट का ब्रेक लेके ज्वाइन कीजिएगा।